बुध ग्रह कितना बड़ा है? बुध ग्रह का खोज कौन सा व्यक्ति ने किया? सूर्य से निकटतम बुध ग्रह कितना है? बुध ग्रह का व्यास कितना है? बुध ग्रह वजन कितना है? इन सभी का जानकारी आप वीडियो के अंत तक बने, आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिले। दोस्तों, जो सूर्य के नजदीक बुध ग्रह है, यह बात फैक्ट है कि बुध ही ग्रह, लेकिन जो बुध ग्रह है सूर्य के नजदीक, लेकिन कितने दूर है? जैसे कोई वस्तु से किसी वस्तु का दूरी नापा जाता, कहा जाता है कि 5 फीट 10 फीट है, उसी प्रकार सूर्य बुध से कितने है? बुध यानी कि वह 58 मिलियन किलोमीटर दूर है, जिसके कारण बुध बहुत गर्म भी कहा जाता है, जो कि बुध ग्रह सूर्य के कारण। दोस्तों, जो बुध ग्रह यानी कि सबसे नज़दीक सूर्य के करीब बुध ग्रह है, लेकिन बुध ग्रह कितना बड़ा है? अगर उसे व्यास के हिसाब से देखा जाए तो कितना बड़ा है? वह बुध बहुत गर्म है क्योंकि सूर्य के नज़दीक है, जी हाँ, लेकिन उसका जो व्यास है वह तो जैसे जितना, अगर आप चंद्रमा का जान रहे हैं, जितना बड़ा चंद्रमा है उससे थोड़ा सा बड़ा है, जो कि बुध मात्र थोड़ा सा बड़ा चंद्रमा से। ऐसे दोस्तों, जैसे कि कहा जाता है कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है, कोई व्यक्ति जाकर मंगल ग्रह पर रह सकता है, ऐसा आजकल न्यूज़ों में देखा जा रहा है, लेकिन क्या आप कभी अनुमान लगाए हुए हैं कि बुध ग्रह पर भी जाकर रहा जा सकता है? आप लोग कहेंगे कि ऐसा हो सकता है, साइंटिस्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बुध ग्रह पर अधिक गर्मी और अधिक ठंडा होने के कारण वहां पर वातावरण भी नहीं है, जिसके कारण वहां पर मानव को रहना असंभव। दोस्तों, जो कि बुध ग्रह है, उस बुध ग्रह का कोई ना कोई व्यक्ति होगा, कोई साइंटिस्ट होगा जो कि खोज किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई साइंटिस्ट कोई व्यक्ति नहीं मिलकर किए हैं। लेकिन इसका पता कैसे चला? जी हाँ, इसका पता सुमेरु यानी कि सुमेरु जैसे कि कोई होता है, जैसे कि राज्य जहाँ के लोग होते हैं, वहीं के लोग ने सुमेरी जो राज्य कहा जाता है, लोगों को कहा जाता है, उसमें से यानी कि 3000 ईस्वी पूर्व ही पता कर लेते हैं कि बुध ग्रह है। लेकिन जो बुध ग्रह है उस बुध ग्रह पर कितना यानी कि कितना दिन होता है और रात कैसा होता है, यानी कि दिन का जो मौसम होता है वह बहुत अजीब होता है और रात का जो मौसम होता है बहुत अजीब होता है, ऐसा क्यों? यानी कि जो दिन का मौसम होता है बहुत गर्म होता है, रात का मौसम बहुत ठंडा होता है, ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य के नज़दीक होने के कारण जैसे ही दिन हो गया सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ता है इसलिए गर्म हो गया, और सूर्य जैसे ही खत्म यानी कि दूसरे दिशा में चल गया तो और ठंडा हो जाएगा। ऐसा इसने बुध ग्रह को पहली बार कब देखा था, यानी कि पहले ही पता चल गया था कि वह बुध ग्रह है, जो कि बुध ग्रह एक ग्रह है, लेकिन पहले पता चलने के बाद देखा कौन उसे पहली बार? उसे पहली बार टेलीस्कोप से देखा गया, उन वैज्ञानिक का नाम है गैलीलियो ने देखा था पहली बार टेलीस्कोप को बुध ग्रह को। ऐसे ही वीडियो सूर्य के बहुत नज़दीक होने के कारण इस बुध ग्रह का व्यास कितना है, मैंने बताया था कि चंद्रमा से थोड़ा सा बड़ा है, यह बात फैक्ट है कि चंद्रमा से थोड़ा बड़ा है, लेकिन जो चंद्रमा से बड़ा है लेकिन इसका व्यास कितना निकाला जाता होगा, जिसे अनुमान लगाया जा सकता, ओ माई गॉड इतना दूर, जी हाँ, उसका जो व्यास है वह 4880 लगभग यानी कि 5000 के करीब में बुध ग्रह का व्यास है। ऐसा जो बुध ग्रह है वह कितने यानी कि कब दिखता है? आप कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि जिस प्रकार के पृथ्वी दिखता है हमेशा, जब चाहे अंतरिक्ष से पृथ्वी को देख सकते हैं, ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं, लेकिन अगर आपको बुध ग्रह के दिखना है तो उसके लिए आप सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले तो वह दिखेगा, उसके बाद नहीं दिखेगा, क्योंकि अधिक तापमान यानी कि अधिक प्रकाश होने का वह लगता है कि लुप्त हो गया है। गाइस, जो सूर्य के नज़दीक है बुध ग्रह, यह बात फैक्ट, लेकिन नज़दीक होने के कारण यह कितने स्पीड से चलता है? आप कहेंगे कि कोई ज़्यादा स्पीड नहीं होगा, लेकिन इसका बहुत अधिक स्पीड माना जाता है, लेकिन कितने स्पीड से यह रफ्तार चलता है? यह 1 सेकेंड के अंतर्गत 50 किलोमीटर यानी कि आप जानकर चौंक जाएंगे, 50 किलोमीटर मात्र 1 सेकेंड, जो कि अगर अनुमान लगाए तो आप देख सकते हैं कि जहां आप रहते हैं वहां से 50 किलोमीटर कितना दूर हुआ और 1 सेकंड के अंतर्गत वह पार कर गया। लेकिन जो बुध ग्रह है उस बुध ग्रह को जैसे कि पृथ्वी पूर्ण रूप से मिट्टी से बना हुआ है, यह बात फैक्ट है कि मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन जो बुध ग्रह है वो भी क्या मिट्टी से बना हुआ है? लेकिन उसमें तकरीबन 70% धातु ही है और 30
30% उसमें सिलिकेट पदार्थ से बना हुआ है जो कि बुध बनकर तैयार हुआ है बुध ग्रह। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।